गढ़ी सवाई राम का एक ऐसा किला जो आज से लगभग 500 से ज्यादा वर्ष पुराना है, लेकिन आज वहां रह गया है तो सिर्फ खंडर। ऐसा इस भारतवर्ष में क्यों हुआ? जो कभी राजा महाराजाओं के शासन और उनके सौहर और जोहर के लिए जाना जाता था, जहां वीर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और न जाने कितने, जिनको आप गिन नहीं पाओगे, ऐसे शासक हुए जिन्होंने भारतवर्ष इस सनातन धर्म की नींव रखी। आज मैं पहुंचा दिल्ली और जयपुर के बिल्कुल सेंटर में, जो कि दोनों से 120 किलोमीटर पड़ता है, गढ़ी सवाई राम, जिसको बनवाया था यहां के महाराजा सवाई राम ने। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए मैं यहां के ही लोगों से पूछता एक लेख तक पहुंचा, जिसमें हमें समझ नहीं आया कि क्या लिखा था, क्योंकि वो एक श्लोक फॉर्म में लिखा हुआ था। और कहीं ना कहीं इस जो महल, जो कभी सिंहासन रहा होगा, जो कभी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता होगा, जो कभी अपने युद्ध प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, आज वहां कुछ नहीं है। तो चलिए आपको बताता हूं गढ़ी सवाई राम के किले का इतिहास, जिस पे हमने एंट्री ली पीछे के दरवाजे से। वो पीछे का दरवाजा भी जबरदस्ती बनाया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि परकोटा टूट गया था बरसों की जीर्ण सीन हालत से, और मैं उसी रास्ते से अंदर पहुंचा। मेन रास्ता तो खत्म ही हो चुका था। राम राम सर सभी को, खम्मा घनी सा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ गढ़ी सवाई राम के किले पर, जिसे गढ़ी बोला जाता है, क्योंकि बड़े किलों को अपन गढ़ बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, लेकिन ये छोटा किला है। इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बोला गया गढ़ी, और ये बसाया महाराजा सवाई राम ने। इसलिए इस कस्बे का नाम पड़ा गढ़ी सवाई राम। गढ़ी से कस्बे भी आप बोल सकते हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक आने के लिए रास्ता पूरा सा दुर्गम हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन मेन किले के लिए। एक्चुअल मेरा रास्ता तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन पूरा तरीके से ख़राब हो चुका है ये रास्ता। और ये बनाया आज से 450 साल पहले, जो यहाँ के महाराजा हुए सवाई राम। किला बहुत ही मतलब दुर्गम स्थिति में है। तो इतना दुर्गम हो चुका है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हज़ारों साल पुराना होगा। और ये है किले का मुख्य दरवाज़ा। तो ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ के जागीरदारों द्वारा किला बनवाया गया था, और कभी यहाँ पे दरवाजे रहे हैं, इस बात के सबूत जो हैं वो मिलते हैं इस गेट के कुंदों से, जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और डेफिनेटली ये जो किवाड़ है, ये लकड़ी काटने के लिए चक्कर में यहाँ से काटे गए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे उस समय किला जो भी रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ते यहाँ ओपन एरिया आ जाता है। और जो इसके स्तंभ हैं, जैसे ये स्तंभ, इन स्तंभों से रखी जाती थी नींव। जो भी किले की नींव होती थी वो ये स्तंभ हुआ करते थे, क्योंकि इन स्तंभों से जो राजा का महल होता था उस पर नज़र रखी जाती थी। तो ये आ गया है ओपन एरिया, और ओपन एरिया जो रखा जाता था बेसिकली, वो इसलिए रखा जाता था कि यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर सकें तलवारबाजी की, और बच्चे जो हैं बच्चों को ट्रेंड कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें, अपने घोड़ों और हाथी के लिए अच्छी सी एक प्रॉपर जगह उनको मिल जाए खुली, जहाँ से वो उनको तैयार कर सके युद्ध के लिए। ये बेसिकली गेट ओपन होते ही एरिया है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, जब भी कोई किला दुर्ग बनता है तो एक बावड़ी जरूर बनती है, और वो बावड़ी इसलिए बनती है ताकि अगर ये भाग गेट के पास ही बावड़ी है तो समझ लीजिएगा कि सैनिकों के लिए, उनके घोड़े और हाथी के लिए बनवाए जाते थे। तो हमारे राजा जो भारत के ज़्यादातर हाथी से लड़ते थे, और घोड़े तो बाद में आए थे जो मुगलों द्वारा लाए गए थे, और वो आए थे उज्बेकिस्तान से, जो कि लेके आया था बाबर। अब ये देखिए, इसे यहाँ के लोकल लोग टांका बोलते हैं। टांका वो प्लेस होता है जहाँ पानी भरा जाता है, स्पेशली बरसात का पानी, लेकिन उस समय यहाँ पर नॉर्मली नेचुरली नीचे ज़मीन से पानी आ रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा देखो, किला ऊँचाई पर बना हुआ है और ये ऊँचाई पर बना हुआ है, तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि इसके धरातल से पानी निकालना। वो वहाँ पे आपको एक छोटा सा कमरा दिखाई देगा, और छोटे से कमरे के बगल में आपको एक गेट और दिखाई देगा, जिसे बोला जाता है पीछे का दरवाज़ा, या कि खुफिया दरवाज़ा, कि अगर आगे से कोई सेना हमला कर देती तो पीछे से निकल जाए। और ये कमरा डेफिनेटली जो पहरेदार होते थे, जो सैनिक पहरेदार होते थे, उनका होता था। आप पीछे की तरफ चलते हैं, अब लेंगे अपन मेन किले में एंट्री। तो
तो देखिए ये उस समय का एक बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा, एक यहाँ है एक वहाँ है, जो कि इस मुख्य दरवाजा जो हम जहाँ से जाने वाले हैं का हिस्सा रहा है, और ये पूरी तरीके से जर्जर है। तो चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही रिस्की हो जाता है हमारे लिए यहाँ आना। और ये यहाँ से एक छोटा सा रास्ता दिया गया है मेन किले के लिए, ये आजाद को मेन किला जहाँ पे राजा रानी का आवास रहा होगा। तो इधर से देखिए वहाँ पर कुछ मेहराब बने हुए हैं, ये मेहराब बेसिकली उनके अस्तबल हुआ करते थे जहाँ पे घोड़े को रखा जाता था। फिर थोड़े से और मेहराब आ जाते हैं जो आप देख रहे हैं इधर, तो बेसिकली ये मेहराब उनके सैनिकों के लिए और उनके घोड़ों के लिए हुआ करते थे। तो अपन जब आते हैं थोड़ा सा आगे इसी के अंदर, बाहर जो बावड़ी थी वो सैनिकों के लिए थी, और अंदर जो अपन बावड़ी है इसे टांका जो बोलते हैं, ये थी राजा रानी के लिए। और इससे बाहर से बड़ी बावड़ी यानी टांका आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और वो है ये, देखिए कितना बड़ा और विशाल है। दो स्तंभ लगाए गए बीच में, कभी यहाँ पर पुल अवश्य रहा होगा लेकिन वो टूट चुका है। जो पत्थर दिख रहे हैं आपको वो उसी का हिस्सा रहा है, फिर ये टूट के जो है बिखर गया। और यहाँ पे आप जो साइड में एक पत्थर देखेंगे, ये बेसिकली अगर पानी कम है तो इस पर रख के नीचे उतर जाइए आप, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, 3 फुट की ऊंचाई पर होगा, उसके हिसाब से ये बनाई गई थी। तो इस किले की जो स्थिति है अनुमानन अगर लगाई जाए तो 550 साल से ज़्यादा मान लो आप। ये देखिए एक छोटा सा मेहराब आपको यहाँ भी दिखाई देगा, और जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति से यही लगता है कि ये बिना देख रेख की अवस्था में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, छत पूरी गायब हो चुकी है, सिर्फ रह गया है तो एक सपाट ज़मीन और कुछ मेहराब के हिस्से। तो ये था राजा सवाई राम का गढ़, या गढ़ी बोल लीजिए, किला दुर्ग जो पहाड़ पे स्थित होता है। तो मैं लास्ट में जाते जाते व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगा। और दिल्ली से 212 किलोमीटर है, जयपुर से ये 150 किलोमीटर है। तो बस आपकी अनुमति लेना चाहता हूँ। राम राम से सभी को, खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो ये वो एरिया जहाँ से राजा अपनी प्रजा को देखा करता था, ये है गढ़ी सवाई राम का स्थान। अरावली पर्वतमाला की श्रेणियों में लगता है कि गोद में बसा गढ़ी सवाई।